हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वीडियो सीरीज में मैं डिस्कस कर रहा हूं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हम पहली हैबिट डिस्कस कर चुके हैं, वो थी बी प्रोएक्टिव, यू शुड बी प्रोएक्टिव। और आज हम दूसरी हैबिट डिस्कस करने वाले हैं। जिन दोस्तों ने ये वीडियो अभी देखनी शुरू करी है, ये सीरीज अभी देखनी शुरू करी है, पहली हैबिट का लिंक मैंने नीचे ड्रॉप कर दिया है कमेंट और डिस्क्रिप्शन में, डू वॉच इट। आइए दूसरी हैबिट क्या बताते हैं ऑथर। इसको बताने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहता हूं थैंक यू चैनल को सपोर्ट देने के लिए, वीडियोस को शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दूसरी हैबिट जो ऑथर बताते हैं वो है बहुत ही अच्छी हैबिट और मेरी फेवरेट है, और उसे बोलते हैं ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। जब भी आप किसी काम की शुरुआत करें हमेशा एंड अपने माइंड में रखें, क्योंकि लोगों के पास जब एंड क्लियर नहीं होता तो वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। जनरली ये देखा गया है, आपको जो भी लोग एक आम जिंदगी बिताते हुए मिलेंगे, पता है क्यों? आम इन द सेंस उनको पता ही नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, जॉब से परेशान है, दुनिया से परेशान है, दे हैव नो विजन एक्चुअली बिकॉज दे हैवंट डिसाइडेड देयर एंड। वंस यू डिसाइड योर एंड, आपके पास एक रास्ता आ जाता है, एक डायरेक्शन आ जाती है कि हमने किस तरफ आगे बढ़ना है, किस तरफ चलना है। What I want to say that you should have a clear destination in your mind where you want to reach, where you want to go, and then उसके बाद आपको steps लेने हैं उस destination तक जाने के। Problem ये है, जब destination नहीं पता तो steps कैसे लेंगे। तो इसलिए the step one is please find your destination. How to find your destination? इसमें मैं आपसे चर्चा करूँगा, 2 मिनट रुकिए। सबसे पहली बात तो ये, ऑथर ने इस बुक में एक फ्यूनरल का एग्जाम्पल दिया है। फ्यूनरल का एग्जाम्पल एज इन ऑथर कहते हैं कि सर समझ लीजिए आपका फ्यूनरल चल रहा है, आप क्या चाहते हैं आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके कलीग्स आपके बारे में वहाँ पे किस तरह की बातें करें, वही आपका विजन होना चाहिए। इसका ये मतलब बिल्कुल मत लीजिएगा कि हमें लोगों की कही हुई बातें सुननी चाहिए। इसका सिर्फ यही मकसद था इस एक्सरसाइज का, ऑथर का बताने का, कि हमारा एंड जो हम देखना चाहते हैं वही एक्चुअली में सर हमें उसी के लिए आज से काम करना चाहिए। तो हमारा एंड बिल्कुल क्लियर करने के लिए, हमारा विजन बिल्कुल क्लियर करने के लिए ऑथर ने फ्यूनरल एक्सरसाइज कराई कि आप जरा विजुलाइज कीजिए कि आपका फ्यूनरल चल रहा है और आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके कलीग्स आपके बारे में वहाँ पे किस तरह की बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप वहाँ पे होते अपने ही फ्यूनरल में तो आप किस तरह की बातें बोलते अपने लिए, वो शायद आपका विजन बनाने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात माने तो आपका विजन बनाने में एक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा काम करेगी और वो है पिक अ पेपर, पिक अ पेन एंड स्टार्ट राइटिंग अबाउट योर सेल्फ। Do this daily till the date you are not able to find your vision, and this will definitely help you finding your vision. And please don't keep earning or monetary targets. वो अपने आप फ्लो करेगा, डोंट वरी एट ऑल, वो अपने आप फ्लो करेगी। बस आप अपना एंड सोचिए कि आपका बिगर पर्पस, आपका मेन रोल इस लाइफ में क्या है, आप क्यों इस लाइफ में आए हैं, जस्ट थिंक ओवर इट और आपको अपनी फाइनल डेस्टिनेशन मिल जाएगी। वंस द फाइनल डेस्टिनेशन इज फिक्स्ड देन यू कैन टेक स्मॉल स्टेप्स। एंड यस, यहाँ मैं स्टीव जॉब्स को भी कोट करना चाहूँगा। स्टीव जॉब्स ने एक बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और उसने उस वाली स्पीच में उन्होंने कहा था कि अगर आज ही मेरा आखिरी दिन होता तो मैं क्या करना चाहता, मैं रोज सुबह उठ के सिर्फ यही सोचता हूँ और उस हिसाब से अपना डे प्लान करता हूँ। जस्ट थिंक ओवर इट सर, इतने बड़े लोग सर इस हैबिट को प्रैक्टिस करते हैं, दे ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड, दे आर ऑलवेज क्लियर विद द डेस्टिनेशन। अगर हम भी अपने डेस्टिनेशन को लेकर बहुत क्लियर होंगे तो डेफिनेटली हम लोग बहुत सक्सेसफुल होंगे। आज से अपने डेस्टिनेशंस को ढूंढना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको आपकी डेस्टिनेशन पता है, और नहीं भी पता है तो जरूर बताएं कि सर आई एम जस्ट सर्चिंग माई डेस्टिनेशन। एंड येस, जो तरीका मैंने आपको बताया, फ्यूनरल एक्सरसाइज जो ऑथर ने बताई है, साथ ही साथ सर जो मैंने आपको बोला कि आपने लिखना है, रोज रात को बैठ के लिखना है, दीज टू थिंग्स विल हेल्प यू इन फाइंडिंग योर फाइनल डेस्टिनेशन। सो ये थी दूसरी वीडियो इस सीरीज की जिसमें बात करने वाले हैं 7 हैबिट्स की। दिस वॉज द सेकेंड हैबिट, दोनों हैबिट्स सर कंप्लीट हो गई हैं, थर्ड हैबिट आएगी बहुत जल्दी इस चैनल पे। एंड यस, इस चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको इतनी सारी बातें बताई जाएं, ज्ञान दिया जाए, इतनी सारी प्रैक्टिकल टिप्स दी जाएं कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल सकें, बहुत कुछ अचीव कर सकें। सो थोड़ी सी मोटिवेशन मुझे भी दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया है वेरी गुड, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है या नहीं, और किस तरह की और वीडियोज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो पाएँ।
एंड यस, अगर आपके पास भी कोई टिप्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, आपकी पर्सनल आपकी टिप्स जिससे आपने कभी ना कभी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट किया हो, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर करें। एंड यस, याद रखिएगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ, रीडर्स आर लीडर्स, एंड प्लीज़ रीड अलॉट, रीड अलॉट, रीड अलॉट। थैंक यू वेरी मच एवरी वन, स्टे कनेक्टेड, स्टे इंस्पायर्ड। जय हिंद।